हेलो एवरीवन, देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ड्यू सोल बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का पोल साइंस का क्वेश्चन 1, राजनीतिक सिद्धांत अर्थ एवं विषय क्षेत्र के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। लेट्स गेट स्टार्ट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। राजनीतिक सिद्धांत एक प्राचीन विषय रहा है, राजनीतिक सिद्धांत एक प्राचीन विषय रहा है, भले ही इसके नाम पर विचारकों में एकमत का अभाव रहा हो, और भले ही इसमें विचारकों में एकमत का अभाव रहा हो, जब जब राजनीतिक मुद्दे उभरते रहे हैं तब तक राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आवश्यक समझा गया है। जब जब राजनीति के मुद्दे उभरते रहे हैं तब तब राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आवश्यक समझा गया है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक मुद्दों से संबंधित ज्ञान है, और राजनीतिक सिद्धांत जो है वे राजनीतिक मुद्दों से संबंधित ज्ञान है। यह अमुक काल के राजनीतिक मुद्दों की तलाश करता है, और यह अमुक काल के राजनीतिक मुद्दों की तलाश करता है, उन्हें पहचान देता है और उनका विश्लेषण करके उनके संबंधित सिद्धांत का निर्माण करता है। उनको पहचान देता है और उनका विश्लेषण करके उनसे संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिद्धांत का अर्थ। सिद्धांत शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई है। सिद्धांत शब्द की व्युत्पत्ति किस चीज से हुई है? यूनानी शब्द से हुई है, थियोरिया से हुई है। थियोरिया का अर्थ है मनन की अवस्था, और थियोरिया का क्या अर्थ है? मनन की अवस्था और चिंतन की स्थिति। जब हम किसी तथ्य को समझने के लिए उस तथ्य पर मनन करते हैं तो उसे थियोरिया अर्थात सिद्धांत कहा जाता है। और अनरिलेटेड ब्रेट ने थियोरिया अर्थात सिद्धांत शब्द को व्यापक रूप से संकरणीय सिद्धांत शब्द को व्यापक एवं संकरणीय अर्थों में बताया है, तथा उस प्रक्रिया में उनमें परस्पर भेद की ओर संकेत किया है। अनरिलेटेड ब्रेट ने थ्योरिया अर्थात सिद्धांत शब्द को व्यापक एवं संकरणीय सिद्धांत शब्द को व्यापक एवं संकरणीय अर्थों से बताया है, और तथा उस प्रक्रिया में उनमें परस्पर भेद की ओर संकेत दिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज अनरिलेटेड ब्रेटेस्ट के अनुसार सिद्धांत का संकरणीय अर्थ किसी विचार की व्याख्या, जबकि व्यापक अर्थ में ये उस एक विचारक अथवा किसी संकलन का समस्त चिंतन है। सिद्धांत का संकरणीय अर्थ किसी विचार की व्याख्या है, और जबकि व्यापक का अर्थ में ये एक विचारक अथवा किसी संकलन का समस्त चिंतन है। सिद्धांत शब्द के अर्थ को समझने के लिए निम्नलिखित विशेषताएं अनिवार्य हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सिद्धांत व्यवहार से अवश्य बनता है, परंतु उसमें मनन का गुण होना आवश्यक है। इस कारण व्यवहार सिद्धांत के लिए आधार की भूमिका निभाता है, परंतु इस क्रम में वे स्वयं सिद्धांत का स्थान नहीं लेता। क्या है? सिद्धांत व्यवहार में अवश्य बनता है, परंतु उनमें मनन का गुण होना आवश्यक है। इस कारण व्यवहार सिद्धांत के लिए आधार की भूमिका निभाता है, और परंतु इस क्रम में वे स्वयं सिद्धांत का स्थान नहीं ले लेता। सेकेंड इज सिद्धांत मात्र व्याख्या का नाम नहीं है। सिद्धांत मात्र व्याख्या का नाम नहीं है। वाक्या तो मनन अर्थात सोचने का एक अंश है। वाक्या तो मनन की अर्थात सोचने का एक अंश है। इस कारण सिद्धांत के अर्थ में वाक्या के साथ साथ किसी तथ्य की खोज, निश्चयन, परिवर्धन, परिमार्जन आदि विशेषताएं भी होती हैं। सिद्धांत वाक्या से कहीं अधिक बड़े स्थान पर विराजमान है। सिद्धांत जो है वह वाक्या से कहीं अधिक बड़े स्थान पर विराजमान है। नेक्स्ट इज सिद्धांत समस्त दर्शन नहीं होता। सिद्धांत समस्त दर्शन नहीं होता, वे तो दर्शन का एक भाग होता है। वे क्या होता है? दर्शन का एक भाग होता है। वास्तव में दर्शन समग्रता से संबंधित होता है। जबकि सिद्धांत केवल कुल बातों से संबंधित होता है। नेक्स्ट इज सिद्धांत संकल्पना भी नहीं होता। और सिद्धांत संकल्पना भी नहीं होता। संकल्पना में संपूर्ण सत्य नहीं होता, और ना ही उसमें निश्चितता होती है। इस कारण सिद्धांत संकल्पना के विपरीत सत्यता तथा निश्चितता का प्रतीक है। सिद्धांत संकल्पना भी नहीं होता, और संकल्पना में संपूर्ण सत्य नहीं होता, और ना ही उसमें
निश्चितता होती है और इसका सिद्धांत संकल्पना के विपरीत सत्यता तथा निश्चितता के प्रतीक है। नेक्स्ट है सिद्धांत में संपूर्ण सत्यता तथा निश्चितता का प्रतीक है। सिद्धांत में संपूर्ण सत्यता तथा निश्चितता का प्रतीक है। सिद्धांत में मात्र मनन ही नहीं होता, उसमें विवेक की मात्रा भी होती है तथा उसका विज्ञान से संबंध होता है। इस कारण सिद्धांत विवेक की अपेक्षा किसी विचार की विवेकता तथा वैज्ञानिकता के साथ साथ उस विचार का चिंतन भी है। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित सिद्धांत है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित सिद्धांत है। राजनीति के विज्ञान व उसके दर्शन से है। स्वयं राजनीति शब्द अपनी में व्यापक है। स्वयं राजनीति शब्द अपने आप में व्यापक है, जिसमें राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, उसके कार्यप्रणाली, उनके अंग, अनेक लक्षण, उनकी कानून बनाने व कानून मनवाने की शक्ति तथा अनेक अन्य व्यवस्थाओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीति से संबंधित आदि सम्मिलित हैं। जिसमें राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, उनकी कार्यप्रणाली, उनके अंग और उनके लक्ष्य और उनके कानून बनाने व कानून मनवाने की शक्ति तथा अनेक अन्य व्यवस्थाओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीति संबंधी आदि सम्मिलित हैं। राजनीति सिद्धांत राजनीति के सभी पहलुओं के अध्ययन, विलेक्षण, समीक्षा तथा व्यवहार का विषय है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के सभी पहलुओं के अध्ययन का विश्लेषण, समीक्षा तथा व्यवहार का विषय है। और राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित सिद्धांत है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित सिद्धांत है। राजनीति के विज्ञान व उसके दर्शन से है। राजनीति के विज्ञान व उसके दर्शन से है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति सभी पहलुओं के अध्ययन, विश्लेषण, समीक्षा तथा व्यवहार का विषय है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के सभी पहलुओं, अध्ययन, विश्लेषण, समीक्षा तथा व्यवहार का विषय है। राजनीतिक सिद्धांत जिस क्षेत्र से संबंधित है वे क्षेत्र राजनीतिक है। राजनीतिक सिद्धांत जिस क्षेत्र से संबंधित है वे क्षेत्र राजनीतिक है। अतः इसके अंतर्गत एक नागरिक के राजनीतिक जीवन, उसके राजनीतिक व्यवहार, उसके राजनीतिक विचार, उसके द्वारा सरकार के गठन और सरकार को दिए जाने वाले कार्यों आदि का अध्ययन किया जाता है। एक नागरिक के राजनीतिक जीवन, उसके राजनीतिक व्यवहार और उसके राजनीतिक विचार और उसके द्वारा सरकार के गठन और उस सरकार के दिए जाने वाले कार्यों आदि का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत किसी भी राजनीतिक मुद्दे अथवा तथ्य अध्ययन में जो पद्धति अपनाता है वे एक साथ वर्गीकरण, वर्गात्मक, व्याख्यात्मक, अन्वेषात्मक है। राजनीतिक सिद्धांत किसी भी राजनीति के मुद्दे अथवा तथ्य के अध्ययन में जो पद्धति अपनाता है वे एक साथ वर्णनात्मक और व्याख्यानात्मक, अन्वेषणात्मक है। सेवाइन के अनुसार व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सब बातों से है जो एक राजनीति से संबंधित अथवा प्रासंगिक है, और संकीर्ण दृष्टि से इसका अर्थ राजनीतिक समस्याओं की विविधता जांच से है। व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सब बातों से है जो कि राजनीति से संबंधित अथवा प्रासंगिक है, और संकीर्ण दृष्टि से इसका अर्थ राजनीतिक समस्याओं की विविधता जांच से है। और एंड हैकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत अच्छे राज्य और अच्छे समाज से संबंधित नियमों की पक्षपात रहित तलाश एक ओर करता है और दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थिता से संबंधित ज्ञान की खोज करता है। राजनीतिक सिद्धांत अच्छे राज्य और अच्छे समाज से संबंधित नियमों की पक्षपात तलाश करता है और दूसरी ओर राजनीतिक सामाजिक वास्तविकता से संबंधित ज्ञान की खोज करता है। और पलम नाज के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य राजनीतिक शब्द का विश्लेषण और स्पष्टीकरण तथा उससे संबंधित सभी अवधारणाओं की आलोचनात्मक समीक्षा, सत्यापन तथा औचित्यता सम्मिलित हैं जो राजनीतिक तर्क वितर्क का अंश होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य राजनीतिक शब्द का विश्लेषण और स्पष्टीकरण है और तथा उसमें संबंधित सभी अवधारणाओं की आलोचनात्मक समीक्षा और सत्यापन तथा औचित्य सम्मिलित हैं जो राजनीतिक तर्क वितर्क का अंश होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत विषय वस्तु एवं कार्य क्षेत्र। राजनीतिक सिद्धांत के विषय वस्तु एवं कार्य क्षेत्र। राजनीतिक सिद्धांत के विषय वस्तु का समय समय पर बदलाव आता रहा है। राजनीतिक सिद्धांत का विषय वस्तु का समय समय पर बदलाव आता रहा है। जैसे
प्राचीन काल से लेकर लगभग 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक राजनीतिक सिद्धांत ऐसी समस्याओं का समाधान तलाशता रहा है जो ये बता सकता है कि राज्य एवं सरकार का स्वरूप कैसा हो और उन्हें क्या क्या कार्य सौंपे जाएं। तब राजनीतिक सिद्धांत अधिकांशता मानकीय स्वरूप रखता था। प्राचीन काल से लेकर ही लगभग 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक राजनीतिक सिद्धांत ऐसी समस्याओं का समाधान तलाशता रहा है जो ये बता सकते हैं कि राज्य एवं सरकार का स्वरूप कैसा हो और उन्हें क्या क्या कार्य सौंपे जाएं। तब राजनीतिक सिद्धांत अधिकांशता मान के स्वरूप को रखता था। और 18वीं और 19वीं शताब्दी के अधिकांश भाग में राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक संस्थाओं की संरचनाओं से संबंधित शास्त्र समझा जाता था। 18वीं और 19वीं शताब्दी के अधिकांश भाग में राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक संस्थाओं की संरचनाओं से संबंधित शास्त्र समझा जाता रहा है। और 20वीं शताब्दी के दौरान वैज्ञानिकता के प्रारंभ में आकार अमरीकी राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक सिद्धांत का मूल मृत घोषित कर दिया। और 20वीं शताब्दी के दौरान वैज्ञानिकता के प्रारंभ में आकार अमरीकी राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक सिद्धांत का मूत्र घोषित कर दिया मृत घोषित कर दिया। राजनीतिक सिद्धांत का सार अध्ययन परंतु राजनीति के अस्तित्व कहीं हवा में होता नहीं है। स्वयं राजनीति अपनी राजनीतिक व्याख्या का अंग है। राजनीति सिद्धांत का सार अध्ययन है और परंतु राजनीति का अस्तित्व कहीं हवा में तो नहीं है। स्वयं राजनीति अपनी राजनीतिक व्यवस्था का अंग है और राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है और राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है और सामाजिक व्यवस्था स्वयं अन्य प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ जुड़ी है और सामाजिक व्यवस्था स्वयं प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ जुड़ी होने के कारण एक पर्यावरणीय व्यवस्था से संबंधित है। राजनीतिक सिद्धांत की विषय सूची। फर्स्ट टॉपिक है राजनीति का अध्ययन, उसके अतीत वर्तमान व भविष्य का अध्ययन, उसके स्वरूप उसके लक्ष्यों तथा उसकी कार्यपद्धति का अध्ययन। राज्य का अध्ययन उसके अतीत वर्तमान व भविष्य का अध्ययन उसके स्वरूप उसके लक्ष्य तथा उसकी कार्यपद्धति का अध्ययन है। सरकार का अध्ययन उसके विभिन्न अंग उन अंगों में परिपारित संबंध उसका स्वरूप तथा उसकी प्रवृत्ति है। सरकार का अध्ययन उसके विभिन्न अंग और उन अंगों का पारस्परिक संबंध उसका स्वरूप तथा उसकी प्रवृत्ति। राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन उनका विश्लेषण और उनकी समीक्षा और राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन उनके विश्लेषण और उनकी समीक्षा। राज्य सरकार व राजनीतिक संस्थाओं की और सत्ता वैधविकता शक्ति आदि का अध्ययन तथा समाज और मनुष्य की और अधिकारियों स्वतंत्रताओं और समानताओं समीकरणों और राजनीतिक संस्कृति भिन्न प्रकार के शासन यंत्रों का अध्ययन है और राजनीति के सांस्कृतिक भिन्न प्रकार के शासन यंत्रों का अध्ययन है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक गतिविधियों की स्थानीय राष्ट्रीयता तथा अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में अध्ययन करता है और राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक गतिविधियों की स्थानीय राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में अध्ययन करता है। राजनीतिक सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक मुद्दों जैसे कर्तव्य पालना मूल मानवीय अधिकार नारीवाद और उपेक्षित अध्ययन पर्यावरण तथा विकास से संबंधित समस्याओं से संबंधित है और राजनीतिक सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक मुद्दों जैसे कर्तव्य पालना मूल मानवीय अधिकार नारीवाद और उपेक्षित अध्ययन पर्यावरण तथा विकास से संबंधित समस्याओं से संबंधित है। राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं निम्न है और राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं निम्न है। राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य का अध्ययन करता है। राजनीतिक सिद्धांत जो है वह मनुष्य का अध्ययन करता है परंतु उस मनुष्य का जो राजनीतिक स्वरूप रखता है राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य के नागरिक रूप का अध्ययन करता है और उसके खिलाड़ी रूप का नहीं। राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य के नागरिक रूप का अध्ययन करता है उसके खिलाड़ी रूप का नहीं। नेक्स्ट इज राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का पात्र राजनीतिक व्यक्ति है परंतु ये वे व्यक्ति है जो उसके राजनीतिक रूप पर पड़े अन्य पहलुओं के प्रभाव को मान्यता देता है। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का पात्र राजनीतिक व्यक्ति है और परंतु वे व्यक्ति है जो उसके राजनीतिक रूप पर पड़े अन्य पहलुओं का प्रभाव को मान्यता देता है तथा संक्रिय प्रकार से राजनीतिक नागरिक द्वारा
अन्य पहलुओं पर पड़े प्रभाव को भी स्वीकार करता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था उसके सामाजिक व्यवस्था के एक अंश के रूप में तथा उन सबकी बाहरी वातावरण से संबंधों में उठने वाली समस्याओं का भी अध्ययन करता है। और राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक व्यवस्था और उसके सामाजिक व्यवस्था के एक अंश के रूप में तथा उन सबकी बाहरी वातावरण संबंधों से उठने वाली समस्याओं का भी अध्ययन करता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था उसके सामाजिक व्यवस्था के एक अंश के रूप में तथा उन संबंध बाहरी वातावरण से संबंधों से उठने वाली समस्याओं का भी अध्ययन करता है। और राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक व्यवस्था और उसके सामाजिक व्यवस्था के एक अंश के रूप में तथा उन संबंधी संबंध बाहरी वातावरण संबंधों से उठने वाली समस्याओं का भी अध्ययन करता है। और राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित सभी संभव अवधारणाओं जैसे कानून, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, शक्ति, कर्तव्य, वैध विविधता, सामाजिक आदि का अध्ययन भी करता है। और राजनीतिक सिद्धांत जो है वह राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित सभी संभव अवधारणाओं जैसे कानून, अधिकार और स्वतंत्रता या समानता, शक्ति, कर्तव्य, वैधानिकता और सामाजिकरण आदि का भी अध्ययन करता है। और राजनीतिक सिद्धांत सार्वजनिक जीवन के राजनीतिक प्रबंध का शास्त्र है। और राजनीतिक सिद्धांत सार्वजनिक जीवन के राजनीतिक प्रबंध का शास्त्र है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।